मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया शस्त्र पूजन, लोगों को दिया वीरता और सुरक्षा का संदेश। दशहरे के शुभ अवसर पर इस वर्ष मध्य प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और उच्च अधिकारी तक सभी अपने अपने क्षेत्रों में शस्त्रों की पूजा करेंगे, जिससे वीरता और सुरक्षा के प्रतीक शस्त्रों को सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन राज्य भर में एक नई परंपरा की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया। इस दौरान मनगवां विधायक नरेंद्र प्रजापति, रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार, DIG साकेत पांडे, SP विवेक सिंह, एडिशनल SP अनिल सोनकर, विवेक लाल, CSP ऋतु उपाध्याय, शिवाली चतुर्वेदी सहित कई कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि शस्त्रों की पूजा न केवल सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि ये राज्य की वीरता और सुरक्षा का संदेश भी पूरे प्रदेश में फैलाएगी। इस आयोजन से राज्य में शौर्य और साहस की भावना को और मजबूती प्रदान होगी। इस दौरान उन्होंने विजयदशमी के अवसर पर देश प्रदेश के सभी नागरिकों को विजयदशमी की बधाई दी है। बता दें कि आज पूरे देश में विजयदशमी की धूम है। अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी के अवसर पर आज शस्त्र पूजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्री व सांसदों ने शस्त्र की पूजा कर उन्हें प्रणाम किया और मस्तक से लगाया। रीवा में भी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पुलिस लाइन पहुँच विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की है। आप सबको और आपके माध्यम से विजयादशमी पर्व की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विजयादशमी विजय का प्रतीक है, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। और आज के समय में हमें ये संकल्प लेने की जरूरत है कि जो विकृतियां और कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में पनप रही है, जो हमारे विकास को कहीं ना कहीं अधूरा करती हैं, उन विकृति और कुरीतियों पर भी विजय हमको आज विजयदशमी के पर्व के अवसर पर संकल्प लेके उसको सिद्धि तक पहुंचाना है। इसलिए विजयदशमी का पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है, उनके अधर्म पर धर्म की जीत से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सब हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं, सभी को बधाई। और आज शस्त्र पूजन का यहाँ पर जो कार्यक्रम है, आमतौर पे पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो और पुलिस के तमाम जो हमारे कर्मी हैं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते रहे हैं, एक परंपरा है गौरवशाली। लेकिन इस बार डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तय किया कि शस्त्र पूजन में मंत्रिमंडल के जो साथी हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग भी हिस्सा लें। और शस्त्र वास्तव में ये सज्जनों की रक्षा के लिए है, दुष्टों के संघर्ष के लिए है, जो समाज के लिए परेशानी बनते हैं, जो नशा का व्यापार करते हैं, जो तमाम तरह के कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम करते हैं, उनको डराने के लिए, और यदि वो डराने के बाद में नहीं मानते हैं तो उन पर प्रहार करने के लिए शस्त्रों का उपयोग किया जाता है। हमारे संस्कृति में जितना शास्त्रों का महत्व है उतना ही शस्त्रों का भी, शास्त्र एवं शस्त्र के माध्यम से हमारे देश में हमारी संस्कृति की स्थापना हुई है और धर्म की स्थापना हुई है। तो इसलिए आज शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हर जिले में, हर विधानसभा में, हर संसदीय क्षेत्र में किया जा रहा है, उसी कड़ी में आज यहाँ पर शस्त्र पूजन हुआ है।